मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड रवेलपुरा सियालकोट राबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415 नामा खिताब इस्तेफाज़ दे नौजवान हजरत मौलाना हाफिज ज़करिया चीमा साहब खतीब आज़म लाहौर और शायर इस्लाम और नाल और खतीब इस्लाम ही बन चुके ने मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब उन्हें भी बड़िया अच्छी नातं बयान फरमाइया और स्टेज ते मुहम्मद यासीन रमज़ान बटी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला नौजवान खतीब मेरे भाई वह भी मौजूद ने और हाफिज़ मुजम्मलुद्दीन साहब इलाके के अंदर मेहनत कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इन्हों की इलम अमल उम्र के अंदर बरकत नसीब फरमाए और ना इंसाफी होएगी। भाई मुहम्मद उस्मान गणी साहब संधवाले के खतीब माशाल्लाह भी आए हैं और तुहाड़े जलसे की रौनक बने ने। इन्हें भी जलसा रखिया उत्थे भी जौक शौक न पहुँचे जे जामिया पढ़े ने जामिया जो फारग तहसील ने। अल्लाह इन्हों की भी इलम अमल के अंदर बरकत नसीब फरमाए। दोस्तों बुजुर्ग और अजीज साथीओ सिर्फ एक दो बात करके अपनी बात को ख़त्म करांगा। असल गल ए वे कि अहले हदीस का मसलक बिल्कुल सीधा सादा सच्चा सुचा और खरा है। उसकी वजह की है कि साडा मसलक किसी के कौल और क्यास से मबनी नहीं। साडे मसलक की बुनियाद एक रब का कुरान है और एक प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सहबही व बारिक वसलम दे फरमान ते मबनी है। और ये दो बातें ही साडे मसलक की बुनियाद ने और इन्हां दे उत्ते ही असी इन्हां दे मुताबिक ही जिंदगी बसर करना इन्हां ते चलना अपना ईमान समझने और अपनी जिंदगी का इसे नूं ही हिस्सा समझने। इस तो जेड़ा हट गया ओ किताब सुन्नत तो हट के किसी और रस्ते ते चल गया ते जेड़ा किसी और रस्ते ते चल गया समझो जन्नत दा राह भुल गया। दीने अबाले दे फरमान तो जेड़ा हट गया रब दे कुरान तो हट गया और जन्नत दी राह भुल गया। और आइए साड़ी दावत ते गौर करना सुबह भी शाम भी दिन भी रात भी अहले हदीस दी दावत वे लोगो वाइजा सालका इबादी अन्नी फा इन्नी करीब जदों मंगन दी जरूरत आए दुआ करन दी जरूरत आए इल्तजा करन दी जरूरत आए मुसीबत दा टाइम आए दुख दा टाइम आए ते एवें लांबे चांबे टकरा ना मारिया करो। रब दा कुरान दस रहा वाइजा सालका इबादी अन्नी फा इन्नी करीब मेरे पैगंबर बतला दीजिए जब मेरे मुतलक मेरे बंदे सवाल करन ते इन्हां नूं दस दियो मैं दूर नहीं लंभोणा लब्भन जाओ मैं ते तुहाडी शाह रग तो भी ज्यादा नेड़े हां। आओ ते सही तुसी मेरे कोलो कुछ मंगो ते सही और मेरे कोलो दुआ और इल्तजा करो ते सही। और कुरान पाक दे अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद कह दियो वदी नूं डर कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुरान नाजल करके मसले हल कर दिते। अल्लाह तुहाडे सारयां दा आउणा तुहाडा ज़ौक शौक मुहब्बत इहदे अंदर इजाफा फरमाए और मस्जिद दे कारी साहब इंतजामिया अल्लाह सब दियां मेहनत कबूलो मंजूर फरमाए। आइए साड़ी दावत ते गौर करो साडे पैगाम ते गौर करो साड़ी आवाज़ ते गौर करो साड़ी दावत किसे बंदे दी किसे आम इंसान दी दावत नहीं किसे पीर वल दावत नहीं किसे फकीर वल दावत नहीं किसे वजीर वल दावत नहीं साड़ी दावत रब दे कुरान दी तरफ है और मदीने वाले दे फरमान दी तरफ है। रब दा कुरान इस बात का ऐलान कर रहा है फरमाया मेरे पैगंबर ऐलान कर दीजिए इस बात का फरमाया या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद फरमाया या अय्युहन नास
दुनिया कायनात दे लोगो रब ने अयो हन्नास कह के जदों मुखातब कीता है ते अयो हन्नास दे अंदर आला भी आ गए अदना भी आ गए अमीर भी आ गए गरीब भी आ गए इमाम भी आ गए मुक्तदी भी आ गए पीर भी आ गए फकीर भी आ गए रब ने कोई भलेखा नहीं रहन दिता ओए अज्जो वाली दे रहन वाले आ या अयो हन्नास ए दुनिया कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालो नबियो बलियो अपने हो बेगाने हो गोरे हो चिट्टे हो काले हो दूसरे हो तीसरे हो रब सारे उन्हें मुखातब होके कह रहे ने या अयो हन्नास फरमाया दुनिया कायनात दे लोगो अंतमुल फुकारा ओ इलल्लाह तुसी सारे दे सारे अल्लाह दे हां फकीर हो चाहे कोई नबी है चाहे कोई बली है चाहे कोई इमाम है चाहे कोई पीर या फकीर है आलिम है जाहिल है जिहो जे मर्जी अंदाज वाले रंग वाले ढंग वाले सूरत वाले ख्याल वाले बुका वाले रिदा वाले हया वाले वो जिस तरह दे मर्जी तरीका कार वाले रब करन या अय्युह अन्नास अंतुमुल फुकरा ओ इलल्लाह सारे दे सारे अल्लाह दे हां फकीर ने ते अल्लाह सब नो देन वाला ते बाकी सारे लैन वाले ने अल्लाह अतान वाले अंतमुल फुकरा अल्लाह कहिंदे ने पूरी दुनिया मेरे सामने फकीर है फरमाया अंतमुल फुकरा ओ इलल्लाह ते अल्लाह कौन है वल्लाहु वल गनीउल हमीद अल्लाह ते बड़ा ही बेपरवाह है और ऐसा गनी है कि उहदे खजाने च कमी भी कोई नहीं मैनू हदीस याद आ गई मेरे मुस्तफा ने फरमाया लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व जिन्नकुम व इंसकुम फी सईदिन वाहिदिन और दुनिया कायनात दे लोगो पूरी कायनात इकट्ठी होके जिन भी आ जान इंसान भी आ जान जिंदे भी आ जान मुर्दे भी आ जान ते एक मैदान च जमा हो जान सारे जमा होके अपने रब दे कोलो बेयक वक्त दुआ करन जो जो किसे दे दिल आए मंग दे जान ते अल्लाह ऐसा गणिए सारे अनु अता कर दे ओ दे खजाने च इन्नी कमी भी नहीं आउंदी जिन्नी सुई नू समुंदर चो डोब के कड लईए ते समुंदर दे पानी च कमी वाके आउंदी है अल्लाह कहिंदे ने मैं सारे अनु दे दिया ते मेरे खजाने च इन्नी कमी भी वाके नहीं हो सकदी ऐनू क्या जानता है गनी ऐनू क्या जानता है दाता ऐनू क्या जानता है रब ऐनू क्या जानता है देन वाला और मैनू बात याद आ गई मुनाजरे इस्लाम और बड़े ही अहले हदीस दे अजीम मुबल्लिग अल्लाह मर्दे खुदा दी कबर नू ठंडिया कर दे हाफिज मुहम्मद अब्दुल्ला शेहपुरी साहब सारी जिंदगी जमात दे नाल कढ़ी और अकीदा तौहीद ते डट के रह अजमते सहाबा दा पैगाम देंदे रह उन्हें एक दफा तकरीर अंदर ये बात उन्हें कोलो सुनी उन्हें बड़ी प्यारी बात की फरमान लगे एक बारी मैं अलामा साहब यजदानी साहब कट्ठे बगदाद चले गए ते जदो बगदाद चले गए ते मैं पीर अब्दुल कादर जलानी साहब कह दियो रहमतुल्लाह अलैह पीर अब्दुल कादर जलानी रहमतुल्लाह अलैह दी कबर ते चला गया जिस टाइम मैं उन्हां दी कबर ते गया ते मैं वेख्या कि पाकिस्तान चो एक बाबे होरी गए और पीर अब्दुल कादर जलानी जिन्हां नूं पीर यारवीं वाला कहा जांदा है हालांकि काम अपना सीधा कीता है पीर यारवीं वाले कोई नहीं आखिया मेरी यारवीं दुआओ या बारहवीं या तेरहवीं ऐसा कोई मसला नहीं बहर हाल हाफसा फरमाते ने एक बाबा ते कबर ते हाथ बन के खलोता ते आखे बाबा जी मेरा फलाना मसला भी हल कर दियो मेरी फलानी परेशानी भी हल कर दियो मेरी फलानी जरूरत भी पूरी कर दियो ते मुनाजरे इस्लाम बड़े अजीम आदमी सन और बड़े हाजिर दिमाग सन हाफसा फरमान लगे मैं पीछे खलोता रहा ते जो बाबा दुआ मांग के फारग होया मैं आख्या बाबा जी की पै कर दे सो अहे पीर साहब की कबर ते आया सा ते मैं आख्या बजुर्गों को कुछ मंग लईए हाफिजा फरमा लगे मुनाजराना अंदाज और बड़े मुहब्बत भरे अंदाज फरमा लगे बाबा जी पीर साहब नू ते पंजाबी आउंदी नहीं तुसी मंग रहे सो पीर साहब नू ते पंजाबी आउंदी नहीं बाबा जी कहन लगे पीर साहब नू की आउंदा है हाफिजा फरमा लगे पीर साहब ते अरबी जानते सन उन्होंने पंजाबी नहीं आउंदी
ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ? ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਗੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮੀ ਏ, ਐਸਾ ਬਸੀਰ ਏ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਈਏ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਯੂਨਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਸੁਬਹਾਨਕਾ ਇੰਨੀ ਕੁੰਤੁ ਮਿਨਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੀ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਸੁਬਹਾਨਕਾ ਇੰਨੀ ਕੁੰਤੁ ਮਿਨਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਅਤੇ ਨਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਲਾ ਅੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁੰਤੁ ਮਿਨਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਬੀ ਯੂਨਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ, ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ? ਇਹ ਜੀ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੇੜਾ ਡੋਬ ਛੜਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਕਹਿਤਾ, ਹਵਾਲਾ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਰਾਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਲੱਭ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਛੜਿਆ, ਅਤੇ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਛੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਥੋੜ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਲੀ ਥੋੜ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੱਭ ਦੋਧੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਈ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਈਏ ਹਮਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੀਏ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਲੇ ਅਤੇ ਦੁਲਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬ ਛੱਡਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਲੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਓ, ਜੋ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਬਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਐਨੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ, ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ।
हाथ बुलंद करके हाजत रवा मुश्किल कुशा ए खुदा असी अपने रब दी तौहीद वास्ते कटन वाले उसे कोलो ही मंगन वाले ओही समी है ओही बसीर है ओही अला कुल्ले शैयन कदीर है ओही डुबियां तारने वाला ओही तरदियां होया नु डोबन वाला लिहाजा ओही मुर्दियां नु जिंदा करन वाला ओही जिंदियां नु मुर्दा कर देने वाला ओही बेटियां देने वाला ओही बेटे देने वाला लिहाजा अपना अकीदा कुरान वाला बना लो नबी दी हदीस वाला बना लो दुनिया च भी इज्जत मिलेगी कल क्यामत वाले दिन आमिना दे लाल खुश हो के अपने बुख च हौजे कौसर दा पानी पिला देंदे एदू चंगी गल केड़ी है वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।